तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरे जैफरल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का ट्रेन जर्नी होने वाला है 13113 कोलकाता से लाल गोला जाने वाली हजार द्वारी एक्सप्रेस। अनाउंसमेंट हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आएगी बैरकपुर में। और यहाँ पर देखिए हम लोग के पीजीए के पाठशाला के ओनर प्रियंक, ठीक है। तो अभी इनका सब्सक्राइब कर देना, पूरा आर्मी का ये जो है, आर्मी का जो तरह दिखता है, देख सकते हैं। ये बैरकपुर है और हम लोग का मतलब टिकट बैरकपुर से मुर्शिदाबाद जाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, हाँ हो गया अनाउंसमेंट, हमको करने दे अभी। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ बैरकपुर से मुर्शिदाबाद जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको मुर्शिदाबाद में क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा बोनस वीडियो होगा। हाँ एकदम। और मेरे साथ ये भी आने वाले हैं ट्रैवलर, सबसे बड़े ट्रैवलर यही है, इनसे देख के मैंने सीखा है सब कुछ, ठीक है। वायरल कर, हाँ वायरल कर देना और शेयर कर देना, और अच्छा लगता है तो एक तो लाइक कर ठोक के जाना, ठीक है। ठीक है, तो अभी चले, अभी ट्रेन आने वाला है, ठीक है। तो अभी ट्रेन ट्रेन में चढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ तो सब वेट कर रहे हैं एकदम। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी उल्टा साइड में दिखा दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर अभी हम लोग 2 में खड़े हैं, ये तो सामने ही है प्लेटफॉर्म नंबर 3। आप देखो, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 यहाँ पर ही है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ, चलिए अभी दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो अभी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में हम लोग की ट्रेन आने वाली है ये वाले प्लेटफॉर्म पे। और वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 है बैरकपुर का। और यहाँ पर एक तो स्टैटिक कोच रखा हुआ है, ठीक है। ये है सियालदा बरोड़ा जाने वाली स्टैटिक कोच रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी भीड़ लगना शुरू हो गया है। और यहाँ पर देख सकते ऊपर में 13113 का अनाउंसमेंट का ये दिखा रहा है, 113 हजरद्वारी एक्सप्रेस अभी आने वाली है। तो और यहाँ पर देखें ये ठीक है। तो अभी चले मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन आने के बाद। देखिए आ भी गया लग रहा है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। गैस कीजिए, कौन सा इंजन है गैस कीजिए, कर दीजिए। हाँ कौन सा इंजन है गैस कीजिए जल्दी से जल्दी। D1 हमारा, अभी हम लोग का आ रहा है D1। अभी हम लोग का कोच है D1 है। और यहाँ हाँ ये Web4 है DDO का, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन का है ये ECR। और यहाँ पर देखिए लाल गोला, देखिए पोस्टर लगा के रखा है। तो चलिए यहाँ पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 2 मिनट में जल्दी से जल्दी चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं AC। तो अभी हम लोग का D1 कोच है, तो पीछे जाना होगा, तो जल्दी से जाके फिर आपको वीडियो करते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा तो वीडियो ही ख़त्म है। तो D1, तो ये चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बैठने के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। तो हम लोग का सीट नंबर था 34-35 और यहाँ से बैरकपुर से निकल चुकी है अपनी गाड़ी, ठीक है। और पूरा फुल हो गया है गाड़ी इधर से ही। अभी इसका नेक्स्ट स्टॉप है रानाघाट, ठीक है। तो रानाघाट में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। तो अभी देखिए कितना अभी से ही गर्मी शुरू हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी चले, तो मिलते हैं आपको रानाघाट स्टेशन पे, ठीक है। चलो बाय, ट्रेन दिखाना है तो बोलिए, अभी दिखा देते हैं, बाय। तो अभी आप देख सकते हैं कि रानाघाट जंक्शन आ गया, रानाघाट जंक्शन आ चुका है, एकदम राइट टाइम में ट्रेन आई है। यहाँ से हम लोग जाएंगे कृष्णनगर के तरफ, पर दोनों और रूट है, शांतिपुर और गंगा। आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए कितना भी रानाघाट कचाकच भरा हुआ स्टेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो है प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा दिया, लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म। तो अभी हम लोग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिया गया है,
ठीक है। तो वन नंबर प्लेटफॉर्म में अभी हम लोग हैं, तो अभी हम लोग आ चुके हैं रानाघाट स्टेशन। रानाघाट के बाद कौन सा स्टेशन है? रानाघाट के बाद आएगा पलासी। हाँ, रानाघाट के ये सब पलासी सब आएगा। अभी यहाँ पे ट्रेन हम लोग की, यहाँ आपको लोगों को पता होगा पलासी में बैटल हुआ था। हाँ, पलासी में हुआ था, पलासी में एकदम गूगल करना बैटल ऑफ पलासी बोलकर, बैटल ऑफ पलासी में। अभी कोई चढ़ नहीं रहा है, सबसे दुख की बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना, मतलब कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन पे। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके रानाघाट। वही तो बोल रहे थे कि सब ब्रेड बटर खाते हैं। ब्रेड बटर खा रहे थे सर। रानाघाट तक आ चुके हैं, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आएगा पलासी। जो भी स्टेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी इसका इधर यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, तो 2 मिनट के बाद तब तो मिलेंगे। चले अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। नेक्स्ट स्टेशन है कृष्णनगर सिटी, जो कि अभी आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा एकदम लग रहा है कि हम, लग रहा है फिर से ईस्टर्न रेलवे नहीं है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आ गया फिर, वैसा टाइप का लग रहा है। ठीक है, चले मिलते हैं अभी कृष्णनगर सिटी जंक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग की ट्रेन निकल गई है यहाँ से कृष्णनगर सिटी से। एस्केलेटर यहाँ पर देखिए, एस्केलेटर है। हम लोग का एक दोस्त भी रहता है यहाँ जिनका नाम है, मतलब निक नेम है चिंबुली। यही बोट्टा ही चाहिए, यही बोट्टा। तो अभी आप देख रहे हैं कृष्णनगर सिटी जंक्शन। वाह, अच्छा जूम कर क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं बेटुआ द हरी। देख सकते हैं अभी लग रही है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ पैसेंजर डीबोर्ड होगा और बहुत कम यहाँ पर बोर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्टॉपिंग है डीबोर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेटुआ द हरी स्टेशन आ चुका है। अभी हम लोग की ट्रेन कम से कम, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम लोग की ट्रेन यहाँ पर आना था 9:12 पे, लेकिन हम लोग की ट्रेन आई है 9:19 में। आप देख सकते हैं 9:19 में हम लोग की ट्रेन आई है। ठीक है, तो अभी हम लोग की ट्रेन 9:19 में, मतलब कम से कम 7 मिनट लेट से चल रही है। ठीक ठाक ही चल रही है, लेट उतना नहीं चल रही है, कभी कभी पिकअप कर ले रही है। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेशन में मिलते हैं प्लासी पे। चले, तो अभी आप लोग देख सकते हैं, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पलासी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पलासी पे। तो अभी हम लोग की ट्रेन यहाँ से अभी, मतलब लेट में ही चल रही है, क्या बोले। तो अभी हम लोग की ट्रेन अभी 4 मिनट लेट से चल रही है। इसको आना था 9:32। ठीक है, अभी हो रहा है 9:41, मतलब 10 मिनट लेट से चल रही है हम लोग की ट्रेन। और आप देख सकते हैं पलासी। और यहाँ से देखिए अभी हम लोग की ट्रेन डिपार्ट हो रही है यहाँ से। बस इसका यहाँ पर 1 मिनट का हॉल था। अभी नेक्स्ट स्टेशन पता नहीं क्या है। ठीक है, ये रूट में हम पहली बार जर्नी कर रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे रूट। ठीक है, तो इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा। ज़बरदस्त लग रहा है पूरा नज़ारा यहाँ से, प्लस ही यहाँ से पूरा डिपार्ट करते हुए अपनी ट्रेन। चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, प्लस अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में। अभी ज़्यादा कोई स्टेशन बचा नहीं है, अभी 3 स्टेशन के बाद ही हम लोग का आ जाएगा मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेशन पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं बेलडांगा। बेलडांगा स्टेशन है एक, तो जो कि इसको आना चाहिए था, अभी हम लोग को जो है टाइमिंग अभी है जो कि 9:57, इसको अभी 10 मिनट लेट चल रही है। इसको 9:47 में आना चाहिए था, लेकिन इसको 9:57 में आई है, 10 मिनट लेट चल रही है ट्रेन। ठीक है, वही ठीक ठाक ही चल रही है 10 मिनट। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बेलडांगा में। तो अभी बेलडांगा से अभी नेक्स्ट स्टेशन आएगा भैरमपुर कोट,
बहरामपुर कोट के बाद आएगा मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो बहरामपुर कोट आपको दिखा दूंगा, फिर बहरामपुर के बाद उसके बाद मुर्शिदाबाद, जहाँ तक हम लोग का जर्नी वहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद मैं तो आपको दिखाऊंगा और भी है बोनस वीडियो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अभी देख सकते हैं ट्रेन अभी यहाँ से निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर खाली एक मिनट का स्टॉप था, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं बहरामपुर कोट पर, चलिए। हम लोग आ चुके हैं मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, और हम लोग की ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है, आप देख सकते हैं। अभी इसका नेक्स्ट स्टॉपेज होगा जीजागंज का कुछ एक तो है, उसके बाद लालगोला लास्ट, उसके बाद लालगोला इसका लास्ट है, और बॉर्डर बहुत नज़दीक है। हाँ, और यहाँ से बॉर्डर कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पे ही बॉर्डर आएगा, ठीक है। उसके लिए और एक तो लाइन जाता है गेदे करके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हम लोग आए हैं, और यहाँ से हम लोग की ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। तो चलिए यहाँ तक ही हम लोग का जर्नी था, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद उल्टा लिख के आ रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग की ट्रेन जा चुकी है, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अभी हम लोग का जर्नी यहाँ तक खत्म होता है। हाँ, अभी देखो सब जा रहा है, देखिए सब जा रहा है वीडियो छोड़ के। अरे बोनस वीडियो नहीं देखोगे? बोनस वीडियो अभी है, इसके बाद सब हिस्टोरिकल जगह है, पूरा हिस्टोरिकल जगह पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। आप लोग सर्च कर चुके हो तो क्या क्या मिला सब नीचे लिखना। हाँ, एकदम एकदम। और बहरामपुर कोट हम लोग पकड़ नहीं पाए क्योंकि उधर थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इवनिंग में हम लोग पकड़ेंगे। हाँ, इवनिंग में आपको पकड़ के दे देंगे, अगर शॉर्ट्स वीडियो करके दे देंगे और क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अभी जाते हैं अभी हम लोग हिस्टोरिकल जगह में, और आपको दिखाते हैं कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ही मिनट का है हिस्टोरिकल जगह, तो हम लोग वहाँ पर अभी जाके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जाइएगा मत, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है, ठीक है, चलो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मुर्शिदाबाद स्टेशन के बाहर। हाँ, तो अभी आने के बाद 600 मीटर वॉकिंग करके हरगोविंद स्वीट्स बोल रहे हैं, मिठाई का दुकान, स्वीट एक तो दुकान है। आप पीछे से देखते तो बैकग्राउंड कितना सब अच्छा है इधर का। हाँ, और यहाँ का ब्रेकफास्ट लाजवाब है, दाल पूरी, और हम लोग के साथ है अंकल है सर, बहुत अच्छे दिल वाले अंकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो इनका मतलब इनकी दुकान में जरूर आइएगा, मुर्शिदाबाद स्टेशन के ठीक 200 मीटर दूर पे ही इनका दुकान पड़ जाएगा, ठीक है। दाल पूरी और मिठाई जरूर खाना, मिठाई बहुत अच्छा, दाल पूरी और मिठाई सब कुछ एकदम अच्छे से खाया इधर, बहुत एकदम लाजवाब देता है, एकदम ठंडा भी है, पूरा ठंडा है, पूरा फंका वंका, पूरा टेबल टेबल देखो कितना जबरदस्त टेबल है, जबरदस्त है। तो इनके साथ एक तो सेल्फी भी लेंगे, आ जाइए इधर इधर आइए, बस वैसे ही। तो ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर आना, लाइक सब्सक्राइब, मुर्शिदाबाद आओगे तो अंकल के दुकान में जरूर आना। हाँ, अंकल के दुकान में जरूर आइएगा, ठीक है। अंकल तो मिलते हैं, ठीक है, चलिए। हम लोग पिछला लास्ट टाइम देखे अभी दुकान में अंकल आ गए, तो जो काम करते हैं यहाँ पर ही बहुत अच्छा है, हम लोगों का बहुत ख्याल रख रहा है, और दुकान तो आप लोगों को दिखाई होगा, पूरा दुकान है यहाँ पर, बांग्ला तो ही बोलो, कोनो आपत्ति नहीं, बांग्ला हिंदी जो एकदम, हाँ तो वही, ठीक है, तो मिलते, तो थैंक यू, तो ठीक है, चलो तो ये सोचे, चलो। यह है हमारा पहले साइट सीइंग जहान कोशा कैनन, ठीक है। यहाँ पे एंट्री फी कुछ भी नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो आपको सामने से और दिखा देते, ये देखिए पूरा, ये देखिए कितना बड़ा तोप है पूरा, और ये सब मुगल के टाइम पे यूज किया जाता था। तो आप लोग मुर्शिदाबाद और प्लासी का हिस्ट्री देखोगे ना, नवाब सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिश लोगों का फाइट हुआ था, वो फाइट में यूज किया गया था ये कैनन।
तो वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फायर करके हाँ। यहाँ पर डाल के फिर उसके यहाँ से तोप और वो जाता था। और उस फाइट में फ्रांस का आर्मी भी सपोर्ट किया था नवाब को, लेकिन हार गया था। उसके बाद ही ब्रिटिश आ गया था। हाँ, तो देखिए आप काफी अच्छा मेंटेन किया है। हाँ। इधर बोर्ड लगाया है, यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखा है, लिखेगा ये लोग। हिस्ट्री अभी तक नहीं लिखा गया है। हाँ? तो हिस्ट्री आएगा तो मिलते हैं पहले नेक्स्ट स्पॉट में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट, तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी हम लोग आ चुके हैं कतरा मस्जिद। इतना बड़ा है कि यहाँ पे 2000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बोल रहे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है ये, बंगाल का तो लार्जेस्ट है ही। ठीक है, शुक्रवार मौलवी लोग नमाज पढ़ता है और यहाँ पे कुली खान बोल के एक बादशाह का ये भी है, अंतिम संस्करण भी हुआ था। ब्यूटीफुल जगह है, ब्यूटीफुल जगह, पूरा आगरा जैसा एक फीलिंग आ रहा है। पूरा आगरा में देखिए, ब्यूटीफुल पूरा आगरा में। इधर लग रहा है कि अभी हम मुर्शिदाबाद में है ही नहीं, आगरा में जबरदस्त जगह है। और इधर अंदर चलिए, अंदर में और भी है। देखिए क्या जगह है ये, पूरा आगरा का वो बुलंद दरवाजा जैसा पूरा। ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा से न्यू दिल्ली। ये देखिए पूरा न्यू दिल्ली का पूरा ये पूरा सामने का ऐसा दिख रहा है। बाप रे बाप। अभी हम लोग आ चुके हैं इमाम बड़ा में, मुर्शिदाबाद का इमाम बड़ा। अब देखिए इतना बड़ा है सब कुछ, और यहाँ पर अभी हम लोग को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये साल में 10 दिन खुलता है, खाली 10 दिन खुलता है। मोहर्रम के दिन सारा दिन खुला रहता है। ठीक है, मोहर्रम के दिन खुला रहता है। तो हम लोग का अभी मोहर्रम है, 24 जून को होगा। और ये देख सकते हैं येलो कलर का, ये है, ये है फेमस, ये है हजरतद्वारी का, हजरतद्वारी पैलेस। पैलेस ये बहुत बड़ा हजरतद्वारी पैलेस। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और सब आपको दिखाएंगे अंदर का। ये देखने में इतना बड़ा है कि तो हम लोग का वॉकिंग यहाँ पर 3 से 3.5 किलोमीटर हो जाएगा आराम से। ठीक है, देखने में इतना छोटा लग रहा है। अभी हम लोग जाके उधर दिखाएंगे आप लोग को कि चले जाएंगे। चलिए बिना टाइम पास कर। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं हजरतद्वारी पैलेस। ठीक है, और पीछे व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है, वो नहीं है, वो इमाम बड़ा, वो इमाम बड़ा है, वो खाली मस्जिद है। वो मोहर्रम के टाइम पे जैसे बोला था इसके पहले हम लोग 10 दिन खुलता है। हाँ, देखिए कैमरा मैन बोल दिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा घुमाइए। अभी देखो ये पूरा कंपाउंड है उधर। अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका हजरतद्वारी पैलेस। पैलेस के अंदर वीडियो फोटो मना है, पूरा सीक्रेट, पूरा सीक्रेट है एकदम, पूरा सीक्रेट। तो आप लोगों को आना पड़ेगा अंदर का सब चीज देखने के लिए, बहुत कुछ है अंदर। एक भी फोटो लेते हैं हो गया तब आप लोग को पुलिस लेके जाएगा आराम से। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए एकदम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छा है। कलेक्शन एकदम जबरदस्त है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा है। तलवार एकदम पूरा, बंदूक सब रखा है अंदर। और ज्यादा बोलेंगे तो नहीं तो हम लोग का ही कंप्लेन चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टाइम करके आना जरूर देखने के लिए, आना जरूर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। आप देख सकते हैं, देखिए इतना मोटा मोटा कैमरा तो आपको बाहर दिख रहा है, तो अंदर ऐसा ही है, बहुत सारा रखा है। देखिए अंकल को, देखिए अंकल जरा हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए। देखिए बस ये बाहर है, यहाँ से ही फोटो कर सकते हैं, अंदर यहाँ से फोटो नहीं जाएंगे, बस खत्म। यहाँ पे दिख रहा है आपको नदी दिख रहा है, तो नदी जो दिख रहा है ना, ये हुगली रिवर वही भागीरथी रिवर बन के इधर आया है। नाम डिफरेंट है, नाम आपने सुना होगा भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस एक गाड़ी है, भागीरथी एक्सप्रेस बहुत पुराना गाड़ी है। हाँ, ये एक्चुअली हमारा गंगा नदी है, नाम यहाँ पे डिफरेंट है भागीरथी। ये गंगा से थोड़ा सा ये डिवाइड हो जाता है, तो उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी बहुत गर्मी और धूप है, तो सर्दी के टाइम पे तो और भी मजा आएगा। हाँ, तो बहुत भीड़ भी रहेगा। अभी गर्मी के मौसम में भी आप देख सकते हो काफी लोग है, इतना गर्मी में भी काफी लोग आया देखने के लिए। देखिए तो आप सोच सकते हो कि सर्दी में कितना लोग आता होगा। अभी तो अभी नेक्स्ट में मिलते हैं कैमरा मैन चांदा के साथ आज तक। चलो नेक्स्ट टूम, इसके बाद जाएंगे टूम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, मसाला स्टॉ है तो स्टॉ दिए है, इंडियन स्टाइल, नो ब्रिटिश, ओनली इंडियन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं
अभी देखिए हम लोग मुर्शिदाबाद स्पेशल चिकन बिरयानी खा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ये है घोल बुरानी बोल के एक ड्रिंक्स है, ये बांग्लादेश का फेमस ड्रिंक्स है। तो अभी हम लोग बांग्लादेश का बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूरी में ही है, तो यहाँ पे भी ये बहुत फेमस ड्रिंक्स चलता है, घोल बुरानी। तो ये कैसे बनाते हैं ये आंटी बोलेगा आप लोग, ये कैसे बनाते हैं घोल बुरानी, कैसे बनाते हैं बोलो बोलो। चाट मसाला, पुदीना, खट्टा दही, जीरा, जीरा, गोलमरीच, ये सब देखे बहुत बहुत खूबसूरत है। तो मुर्शिदाबाद आएंगे तो या बांग्लादेश साइड जाएंगे तो ये जरूर पीना, स्पेशल है इधर। ये पीने के बाद ही हम लोग सेकंड टाइम पी रहे हैं, पीने के बाद एकदम पूरा ठंडक भेज जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स और अच्छा नहीं लगेगा। चलिए तो खाने के बाद आपको मिलते हैं अगले स्पॉट, अगले स्पॉट पे। और ये जो जगह है, ये जगह का नाम है आजीमुन्निसा बेगम का टूम्ब। देखिए ये थोड़ा टूटा फूटा है, आप देख सकते हैं इधर का जो दरवाज़ा है, देखिए थोड़ा डैमेज्ड है, देखिए ऊपर टूट गया है। और बहुत शांत है और एकदम दोपहर को है तो कोई लोग नहीं है उतना। तो टूम जो होगा शायद इसका नीचे कहीं पर होगा, उतना कहीं पर लिखा नहीं है, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है ये जगह, थोड़ा मतलब कहीं पर खास कुछ लिखा विखा नहीं है। तो पूरा तो यहाँ से और थोड़ा आगे 200-300 मीटर के अंदर और भी दो तीन जगह है, वो अभी देखेंगे, तो इसके बाद मिलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये जाफरल क्या ही बोले, इतना गर्मी हो गई। बोल रहे कि कब्र है यहाँ पर, अजीमुन्निसा की कब्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजीमुन्निसा कब्र, तो औरंगजेब की बेटी थी। हाँ, ये है औरंगजेब की बेटी है, ठीक है। और बाहर में भी एक कब्र है जो कि उनके सेनापति के हो सकता है, ठीक है। और बाहर देख सकते हो और एक तो कब्र है यहाँ पर, जो कि इंग्लिश में टूम बोला जाता है। हाँ, इंग्लिश में टूम बोला जाता है और उर्दू और हिंदी में कब्र बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर खाली दो थे कब्र है, एक तो सेनापति की है और एक तो रानी का है, औरंगजेब के बेटी का, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा यहाँ से 450 मीटर के अंदर नवाबगंज सिमेटरी और एक और जगह है, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलते, बाय बाय। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, सब कब्रस्तान है, मोहम्मद जाफर खान का सब लिखा है। ये देखिए किसका किसका कब्र है, पूरा जगह जो है फैला के कब्रस्तान बना हुआ है, कब्रस्तान सब बना हुआ है यहाँ पर। ये साइड में जाएंगे तो दिखेगा। हजरत इमाम हुसैन इमाम बरा एंड हाउस, तो ये अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी कर लिया गया है, प्राइवेट कर लिया गया है गवर्नमेंट अभी इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत छोटा फूटा एक दरवाजा है, इसको बोलते हैं नमक हराम दरवाजा। अभी नमक हराम नाम क्यों है, मतलब गद्दारी किया था इसलिए नमक हराम नाम, गद्दारी किया था। ये जो दरवाजा है वही है, ये इसका नाम ही है नमक हराम दरवाजा। नमक हराम दरवाजा, तो इसके पीछे हिस्ट्री कुछ होगा। और इमाम बरा ओपन्स ओनली ऑन थर्सडे फ्रॉम 9 AM बिफोर सनसेट। थर्सडे को खुला रहता है, अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता, थर्सडे को खुला रहता है, बृहस्पतिवार खुला रहता है सुबह के 9 बजे और शाम के जब तक सूरज ढलेगा नहीं तब तक खुला रहेगा। हिंदी में बोल दिए, अगर तमिल में बोलना तो कमेंट में बोल दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, वो दिखाते हैं आपको, वही और लास्ट स्पॉट है, ठीक है। बहुत आप लोग घूम लिए, लेकिन मुर्शिदाबाद जरूर आना घूमने के लिए, और बिरयानी और मिठाई जरूर खाना, दो दो रेस्टोरेंट जो दिखा दिया, ठीक है। चलिए अगला स्पॉट।
अभी देख सकते हैं आप मुर्शिदाबाद का गांव का रोड। अरे ये देखिए नमक हराम दरवाजा चला गया जो आप लोगों को कवर किया था अंदर से। और है देखिए अभी हमारा शहनशाह भैया एकदम स्पीड से ले रहे हैं गाड़ी। मुर्शिदाबाद का पूरा साइट सीइंग हो रहा है आप लोगों का फ्री में जैफरेल के जरिए। ये देखिए सामने कितना ब्यूटीफुल सामने देखिए मस्जिद है, वाइट कलर मस्जिद कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ये जगह भी आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत, ये भी कवर किया था हम लोगों ने। तो देखिए वो महारानी का टूम बोल रहा था औरंगजेब का बेटी का जो दिखा। तो यहाँ पे फिर से आ गए हम लोग इमामबाड़ा के इधर, इमामबाड़ा पैलेस। तो वो भी एक बार फिर से दिखा देते बाहर से आप लोगों को। ठीक है ये देखिए पूरा यहाँ पे भी है, अभी इमामबाड़ा दिख रहा है राइट साइड में आप लोगों को। अभी पैलेस आएगा इसके बाद, तो पैलेस के पहले से ही टर्न लेगा पता है। ना टर्न नहीं लिया, अभी पैलेस आएगा सीधा आएगा। हाँ घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, घोड़ा गाड़ी बहुत चलता है। हाँ यहाँ पर ये देखिए जो कि जहाँ से सुबह को हम लोगों ने वीडियो में बोला था। हाँ ये देखिए येलो कलर का ये पैलेस का। हाँ और जहाँ पर हम लोग बिरयानी खाए थे वो भी आ रहा है। हाँ वो भी आ रहा है। ये आ गया हमारा फेमस बिरयानी का दुकान। ये देखिए बहुत अच्छा बिरयानी बनाता है, बहुत एकदम जबरदस्त बिरयानी बनाता है। और ये एंट्री है पैलेस का। ये पैलेस का एंट्री गेट, ये देखिए ये देखिए। ठीक है अभी सामने देखना खूबसूरत सीन। अभी टोटो जाएगा गेट के बीच में से। वाह अभी फिर से एक पुराना और गेट आ रहा है। देखिए ये देखिए ये सब आपको कोलकाता में इतना अच्छा आपको हैदराबाद में भी नहीं मिलेगा। हाँ देखिए ये नया गेट उसके बाद पुराना गेट, पुराना गेट है। ये देखिए पुराना गेट के नीचे से जा रहा है हम लोग। ये देखिए अभी पुराना गेट के नीचे से जा रहा है हम लोग। हाँ चले गए, चलिए ठीक है मिलते हैं स्टेशन। और यहाँ पर देखिए ये बहुत पुराना कोच है 2003 का। हाँ। 12/6/2003 का बहुत पुराना 12/6/2003 देखिए। हाँ। और ये देखिए ठीक है गार्ड वैगन है, ये गार्ड वैगन है। हाँ। लास्ट और हम लोग का जर्नी यहाँ तक ही था, इसके बाद खत्म हो जाएगा अभी। हाँ, तो अभी हम लोग अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और वायरल कर देना पूरा, शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखिए मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग आ चुके हैं मुर्शिदाबाद वापस, कि जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ से एंडिंग कर रहे हैं। अभी पूरा आपको मॉन्यूमेंट आप देख चुके होंगे। और यहाँ पर देखिए पीजी का पाठशाला तूफानी पर थम्सअप से हम लोग अभी एंडिंग कर रहे हैं। आज तूफानी की है बहुत गर्म में, ठीक है इतना गर्म में हम लोग जा भी नहीं सकते थे, कैंसिल कर देते हम लोग। ठीक है जब ये बोल रहे थे टोटो में, ठीक है तो इसलिए देखिए आपके लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है अरे ठीक है ठीक है। तो अभी अगर वीडियो अच्छा लगता है देखिए वो भी बोल रहे सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ सब्सक्राइब बोल रहे हैं ठीक है। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और मैं चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है तो मिलते हैं किसी और एक जर्नी में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय। हाँ